जो अंग्रेजी लोग आते थे ना, थे हमें पूछते होते थे कि वो जेड़े पंजाबी जानते थे, उर्दू बोलते थे, कि शाही हमाम कौन सा, कहना ये है भाई। Seventeenth century Shahi Hammam wins UNESCO Asia Pacific Award for Cultural Heritage Conservation. The conservation of the 17th century Shahi Hammam in the walled city of Lahore has received the Award of Merit in the year's UNESCO Asia Pacific Awards for Cultural Heritage Conservation, announced in Bangkok on 1 September 2016. शाही हमाम बेसिकली शाहजहान के दौर में 17th सेंचुरी में बनाया गया था, जो कि वज़ीर ख़ान ने बनाया था, जिसको हकीम इल्मुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है। वज़ीर ख़ान मस्जिद और ये शाही हमाम, ये दोनों उसी ने बनाए थे, जो कि शाहजहान का कोर्टियर भी था, गवर्नर भी रहा और उसके यार ख़ास भी था। The Aga Khan Cultural Service Pakistan, with financial support of the Royal Norwegian Embassy and facilitation from the Walled City of Lahore Authority, carried out the conservation of the Mughal-era public bathhouse. ये एशिया में अपनी नौयत का वाहिद एग्जिस्टिंग टर्किश स्टाइल के ऊपर रॉयल बाथ है। ये उस ज़माने में आम पब्लिक के लिए बनाया गया था और इसमें आप देख सकते हैं कि जितना इसको यूनिकली और जितना इंट्रिकेटली इसको डेकोर किया गया है, इसके अंदर फ्रेस्को है, इसके अंदर जो लेटेस्ट फैसिलिटीज़ हैं सोना की, स्पा बाथ की, हॉट बाथ, कोल्ड बाथ, ये उस ज़माने में ये सारी इसके अंदर रखी गई थी। तो ये अपनी नौयत का एक वाहिद इस तरह का मॉन्यूमेंट है जो हमारे पास इस वक्त मौजूद है। The two-year project, which was completed in 2015, is part of a successful public-private partnership between the Aga Khan Trust for Culture and the Government of Punjab. World City Authority, Aga Khan Trust for Culture, with the funding of Royal Norwegian Embassy. अब हमने शाही हमाम को 2015 में इसकी कंजर्वेशन को खत्म किया था। पहले ये दीवार नहीं थी, रास्ता तंग था, बहुत यानी कि अच्छा नज़र नहीं था आता आने वाले को। अब आने वाले को तकरीबन वही तर्ज तमीर जो है ना मिल रहा है, आने वाले को महसूस हो रहा है कि बिल्कुल वही है जब शाही खानदान ने बनवाया था। और फिर हमने इसको पब्लिक के लिए ओपन किया और इस वक्त इस मॉन्यूमेंट की ये अहमियत है कि यहाँ पे 23 से 24 हज़ार टूरिस्ट जो हैं वो सालाना हमारे पास सिर्फ इस मॉन्यूमेंट को देखने आ रहे हैं, जिसमें फॉरनर्स भी हैं, लोकल्स भी हैं। तो पहले तो इसकी शक्ल का हमें भी नहीं पता था कि पीछे क्या है, लेकिन जब से ये रेनोवेट हुआ है तो अब तो माहौल ही बदल गया है और टूरिस्टों का तो बहुत ही आमद जामद है। आप लोग आए हैं, वैसे होर लोग बहुत ज़्यादा इधर आते हैं, इनका बहुत ज़्यादा टूर वगैरह आते हैं वो देखने के लिए, इनको कॉलेज के लड़के लड़कियाँ सब आते हैं, अंग्रेज वगैरह वो भी देखने आते हैं। किसी को पता ही नहीं था, जो यहाँ पैदा हुए उनको पता नहीं था कि ये शाही हमाम कौन सी चीज़ है, क्या चीज़ है वो। शाही हमाम को ये अवार्ड मिला है यूनेस्को का अवार्ड ऑफ मेरिट और ये बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ कंजर्वेशन के ऊपर ये अवार्ड मिलता है। एशिया पैसिफिक रीजन में कमोबेश 6 ममालिक ऐसे हैं जिनमें ये अवार्ड गया है, जिसमें से इंडिया भी है और ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान भी है, ईरान भी है इसके अंदर। एंड उसके बाद ये जो मॉन्यूमेंट्स बेस्ट कंजर्व्ड होते हैं उनको ये मिलता है। पाकिस्तान में ये शाही हमाम को मिला है और इसके साथ ही जो हमारी एक कंजर्व्ड स्ट्रीट थी गली सुरजन सिंह, उसको ये 2014 में मिला था। The Hammam has now been established as a heritage museum site that welcomes tourists and visitors from all over the world into the walled city.